कल्याण पावन है, ये उत्सव तो मन भावन है। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं गुजरात के सजोद स्थित अंकलेश्वर तीर्थ पर आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में दूसरे दिन यानी 7 दिसंबर को जन्म कल्याणक एवं दीक्षा कल्याणक महोत्सव की मनोहारी झलकियां। यह महोत्सव श्री पाशना चैरिटेबल ट्रस्ट पद्मावती नगर बेड़िया जी गुजरात के सहयोग से विगत 6 से 8 दिसंबर तक आयोजित किया गया। अंकलेश्वर स्थित श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन जिनालय में श्री सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ जी 24 प्रतिमाओं सहित समुश्रण के निर्माण एवं प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित किया गया था। महोत्सव में निर्ग्रंथ भट्टारक बालयोगी आचार्य श्री जयसागर जी महाराज ससंग का पावन सानिध्य मिला। प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित प्रदीप कुमार जैन मधुर जी द्वारा मांगलिक क्रियाओं को संपादित कराया गया। सैकड़ों की संख्या में समग्र जैन समाज ने उत्साह उमंग के साथ सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए द्वितीय कड़ी के दृश्यों का अवलोकन करते हैं। 7 दिसंबर को जन कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्यमय पूजन अभिषेक के साथ हुआ। इसके बाद श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी का पंचामृत अभिषेक भी किया। तत्पश्चात ही शांति धारा आरंभ हुई। सौभाग्यशाली परिवारों ने मंत्रोच्चारण के साथ जिरेंद्र प्रभु के शीश पर जल की अविरल धार प्रवाहित कर विश्व शांति की कामना की। सजोद ग्राम नगर शीतलनाथ स्वामी मृत्युम चिंद बिंद अति काम चिंद बिंद रति काम चिंद बिंद क्रोधम सर्वराज भयम सर्वचोर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्षिचकंजलंतम गच्छि आयासम पायालम लोयाणम भूयाणम जय वाविवादि वा थमणे वा रांगणे वा रणांगणे वा मुहणे वा तत्पश्चात ही विधान पूजन आरंभ हुआ। अष्ट द्रव्यों के साथ विधान में बैठे इंद्र इंद्राणियों ने अर्घ्य समर्पित किए। इंद्रादि देव और पूज्य पदार्थ जाके सो शांति नाथ वरवंश जगत प्रदीप शांति करो सुर जगत में विश्वाद किंदरा शांति करो सुर जगत में विश्वाद किंदरा शांति करो सुर जगत में विश्वाद किंदरा काली जैसी चढ़ाए प्रभु कृपा तक कटे दुख दूर हो जाए प्रभु कृपा तक कटे दुख दूर हो जाए तुरत सज ज्ञान पाए हे नाथ। इसके बाद महोत्सव के पात्रों ने सामूहिक रूप से हवन यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। आशीर्वाद आचार्य श्री जयसागर जी महाराज संविदा अवधि दोनों हाथ से संविदा पकड़ना है। जल लेना जलेव हाथ में लेना शंख मुद्रा बनाना इसके बाद सौधर्म इंद्र का सिंहासन लगा जहां अष्ट कुमारियों ने सर्वप्रथम सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। ध्याया जीवन में है ध्याया अपनी समान सब जगत जीव को मार्ग बताया प्यारा करता है भविष्य किनारा करता है भविष्य किनारा श्री महजिनेन्द्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा करता है भविष्य किनारा करता है भविष्य किनारा। जय हो। हेलो हेलो। हम भूल रहे हैं शिव पत्र ही आकर हमें बताओ मोक्ष प्राप्त करने वाला सत ज्ञान नाथ दे जाओ
सद ज्ञान नाथ दी जाओ। हमें भक्ति तुम्हारी शरण में आए, हरो अज्ञान हमारा करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री बाजी नेन्द्र के पंच कल्याण काये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा। इसी दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो जाता है। तब सौधर्म इंद्र सिंहासन से उठकर अपने अवधि ज्ञान से जानते हुए 7 कदम दूर जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं और तीर्थंकर बालक के जन्म की घोषणा कर देते हैं। यह सुनकर समस्त राज दरबार में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। ऊर्ध्वमुख मोक्ष नायकाय नमः। पूरे जम्बूद्वीप को सौधर्म इंद्र सोच में विचार में पड़ गए और तर्जनी उंगली अपने मस्तक के ऊपर उन्होंने लगाई। अवधि ज्ञान, जैसे ही अवधि ज्ञान से सत्य उन्होंने जान लिया तो अपने सिंहासन से खड़े हो गए, नीचे उतरे, 7 कदम आगे चले और परोक्ष में भगवान को नमस्कार करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु पार्श्वनाथाय, नमोस्तु नमोस्तु। और के चरणों में करता हूँ स्वामी नमन, लाहू सादर सहित धनपति को अभी। इसके बाद धनपति कुबेर को बुलाने का आदेश देते हैं और तीर्थंकर बालक का जन कल्याणक मनाने के लिए मध्य लोक चलने का आदेश देते हैं। इसके बाद सौधर्म इंद्र परिवार सहित महाराजा के दरबार में बधाई देने पहुंचते हैं। सभी लोग तालियों के साथ तालियां बजाएंगे दरबार सजा करके। 23वें तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। तुम अभी योग्य जाति के नागदत्त देव को विक्रिया से ऐरावत बनने का आदेश करो। हम भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने मध्यलोक चलेंगे। देवेंद्र, नागदत्त देव को विक्रिया के है एरावत हाथी बनने में हर्ष होगा। तीर्थंकर भक्ति में उसे बड़ा आनंद आएगा। देवेंद्र, मैं गोपुर द्वारा पर आपके शुभागमन की प्रतीक्षा करूंगा, मैं चलता हूँ। चारों तरफ फैल जाती कामदेव के समान सुंदर रूप से 3 लोक को मोहित करने वाला वह हाथी, जिसके गले में लटकते हुए घंटे बज रहे देखो। दरबार में पहुंचने के बाद प्रथम बार सौधर्म इंद्र हजारों नेत्रों से बालक के दर्शन करते हैं। इसके बाद वह भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी, हाथी, घोड़े आदि पर गाजे बाजों के साथ पांडुक शिला की ओर जन्माभिषेक के लिए पहुंचते हैं। सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र मंगल कलश से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करते हैं और उसके बाद क्रमानुसार इंद्रगण 1008 कलशों से अभिषेक कर श्रृंगार कर नवीन वस्त्र पहनाते हैं। द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलिन जिनावि सिंचामि स्वाहा। कृत्वा यस्य पुरंदरोति विभवा जन्माभिषेकोत्सव सच्चनोद्वर्तन बिंबे तस्य चिकारयामि कुलज। ने पापों का क्षालन किया, मेरो संव्यवहार नाम तनुते यस्य प्रभो देवराज। ऐसे मेरु के ऊपर देवराज इंद्र ने व्यवहार के लिए भगवान के उस सनाथ देवलोपार्श्वनाथ भगवान की जय। तीर्थंकर बालक का उनके माता पिता को सौंपने के बाद सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य किया। तेरी शांत छवि मन बस गई है, तेरी शांत छवि मन। इसके बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। पालना झुलाने के बाद बाल क्रीड़ा का आयोजन किया गया।
जहां तीर्थंकर बालक के इष्ट मित्रों ने उनके साथ अनेक प्रकार के खेल खेले। बधाई ले बचालो, बधाई ले बचालो, मानद असु सेन दरबार पर सौधर्म इंद्र ने महाराजा अश्वसेन के आदेश पर युवराज का राजतिलक किया, जहां दूर दूर से पहुंचे महानुभावों के भी राजतिलक किए गए। राजतिलक उत्तरांचल के महामंडलेश्वर राजा के लिए, भगवान उनका राजतिलक कर रहे। तीर्थराज्य शासन काले पश्चिमांचल महामंडलेश्वर। तत्पश्चात ही निर्ग्रंथ भट्टारक बाल योगी आचार्य श्री जयसागर जी महाराज ने उपस्थित जैन समाज को संबोधित किया। गांव में मूल नायक भगवान के रोज दर्शन करता था, बोले कभी कभी मंदिर जाता था। मैंने कहा एक महीना, सिर्फ एक महीना तू आकर के रह, ये सलुम्बर के पास की घटना है। और बहुत से लोग वहाँ के प्रवासी हैं नागदा समाज के, जो अकोला में रहते हैं, उनसे मैंने पूछा। उन्होंने एक महीने सिर्फ मूल नायक के दर्शन किए, उनका पुनः अपने गांव में दुकान जम गई। ये अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। मुझे आज घर छोड़े 37 वर्ष हो गए। मैं मुनि महाराज हूं, मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं अपने देवाधिदेव चंदा प्रभु भगवान को जब तक अर्घ नहीं चढ़ा लेता हूं, तब तक मैं अपनी दिनचर्या प्रारंभ नहीं करता हूं। तो जो हमारे गांव के मूल नायक हैं उनको कभी नहीं भूलना, उन मूल नायक के चरणों में उपस्थित रहें तब तक उनके दर्शन करना, अनुपस्थित रहें उस गांव से दूर रहें तो उनके प्रति परिपूर्ण श्रद्धान के साथ ही उनके चरणों में अर्घ दे करके अपनी दिनचर्या प्रारंभ करना। जो भगवान हमारे सामने बैठे हैं वो हमारे उपास्य हैं, हम उनकी भक्ति करें, लेकिन जो हमारे मूल हैं उनको भी कभी ना भूलें। जहाँ तक हो सके चार वस्तु का अवश्य में त्याग करना, सप्त व्यसन का त्याग अवश्य में करना। सप्त व्यसन जीवन को नष्ट करता है, इसलिए सप्त व्यसनों का त्याग अवश्य में है। जितने इंद्रिंद्राणी बने हैं, जितने राजा मंडलेश्वर बने हैं, जिन जिन लोगों ने भी इस पंचकल्याणक महोत्सव की प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है, उनके जीवन में झूठ चोरी कुशील और शिकार जुआ परिस्त्री गमन और वैश्यागमन, इन सात चीज़ों का उनको त्याग करना चाहिए। ये वैसे भी अहितकारी हैं जीवन के लिए। और आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं सबका मेरे अपने ख्याल से त्याग है, कोई भी इन व्यसनों को। अब GST बचाना तो अपना बनिया धर्म है, वो तो चलता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब शेष लगा दिया है, GST लगा दी है, और भी ना मालूम कितने टैक्स लगा दिए हैं, उनको तो हम बचाते रहते हैं। सब आप लोगों को त्याग है। दूसरी सबसे बड़ी वस्तु है पंचाणु व्रतों को धारण करना। पंचाणु व्रत में आता है बने जहाँ तक के सत्य बोलना, बने जहाँ तक के अहिंसा को धारण करना। अहिंसा व्रत नहीं, अहिंसा धारण किया जाता है, अतार्थ हम जानबूझ करके किसी जीव को ना मारें। इन सब चीज़ों की आप लोगों को प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। चोरी कई तरह की होती है, एक चोरी होती है किसी की जान को खत्म करके और अनैतिकता से धन को लूट लेना, वह चोरी का आप सभी का त्याग है। आप सभी महाजन लोग हैं और हमारे ग्रंथों में गाया गया है। जैसे ही लोकांतिक देवों को तीर्थंकर युवराज के वैराग्य होने की सूचना मिलती है तो वह वैराग्य की अनुमोदना कराने के लिए आगमन होता है। इसके बाद प्रभु की पालकी उठाने के लिए देवों और मनुष्यों में बहस होती है, जिसका निस्तारण आचार्य श्री जयसागर जी महाराज अपने दिव्य देशना के माध्यम से मनुष्यों को सर्वप्रथम उठाने का फैसला सुनाते हैं। पालकी उठाते हुए समस्त राज दरबार का वातावरण भावुक भरा हो जाता है। चले जिन राजा जगत सिर ताजा, तीर्थ पास राजा पालकी में।
गमन कर जाने के बाद आचार्य श्री जयसागर जी महाराज अपने कर कमलों से तीर्थंकर प्रभु को दीक्षा के संस्कार प्रदान करते हैं। भगवान अभी केशलोच कर रहे सिद्ध परमेष्ठि को गुरु बना के पंचमुष्टि सिद्धाय नमः, बोलो सिद्धाय नमः, सिद्धाय नमः, सिद्धाय नमः। संध्या की बेला में सामूहिक महाआरती का आयोजन किया गया। मंगल दीपकों से प्रभु की आरती करते हुए समाज का हर वर्ग संगीत की लहरियों पर नृत्य करते हुए भक्ति में सराबोर था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत कलाकारों द्वारा ज्ञानवर्धक नाटिका का मंचन किया गया। जल्दी मोटी हो जाएगी, हरी हरी घास खाएगा। मेरे देश की धरती सोना अगले अगले हीरे मोदे, मेरे देश की धरती अरे क्या हुआ बोला, क्या हुआ? देखो बाबू पूरा जंगल जलकर नष्ट हो गया। हे प्रभु ये क्या हो गया? अरे मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? हे प्रभु अब मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? हे बोला ये कैसे हुआ सब, क्यों हुआ, कैसे हुआ है? अब मुझे नहीं पता, जंगल जलकर नष्ट हो गया, अब मेरी शादी कैसे होगी? अरे बुरा, तेरी शादी की पड़ी हुई है तुझे, सारा जंगल जल के राख हो गया और तू शादी को लेकर घूम रहा है। ऐसे ही भव्यतम पलों के साथ जन कल्याणक और तप कल्याणक महोत्सव का समापन हो गया। अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। हम अगली कड़ी यानी अंतिम कड़ी में उपस्थित होंगे ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक एवं प्रतिष्ठापना की झलकियों के साथ। जय जिनेंद्र शुको। ये पंच कल्याणक पावन है, ये उत्सव तो मन भावन है।